हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अप्रेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है यहाँ पे, वो आई है अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके। देखो, आपको पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद में 2 सितंबर 1946 यानी कि 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था, अंतरिम गवर्नमेंट है वो बनाई गई थी। आप अंतरिम गवर्नमेंट को ऐसे समझ सकते हो कि मतलब जब अंग्रेज़ों का टाइम जा रहा था, तो अंग्रेज़ों के टाइम की लास्ट सरकार है वो बन रही थी। अब देखो, ये सरकार तो बन रही थी वैसे अंग्रेज़ों के अंडर, बट इसमें काफ़ी सारे जो मेनली जो मंत्री वगैरह थे वो भारत के थे, इसलिए इसका नाम वैसे अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है। मतलब मैं आपको कहना चाहूँ कि जवाहरलाल जो नेहरू उस टाइम पे, आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उनकी अध्यक्षता में और उनके जो मतलब आप बोल सकते हो कि उनके साथ जो और वर्कर्स थे, उनके साथ मिलके वाइस राय ने, उस टाइम पे वाइस राय कौन था, देखो 1946 में वाइस राय था लॉर्ड वेवेल, तो उनके साथ मिलके उन्होंने काउंसिल के सदस्यों के रूप में शपथ ली थी। मतलब वाइस राय की जो काउंसिल थी ना, उसके सदस्यों के रूप में जवाहरलाल नेहरू और इनके और जो साथी सहकर्मी थे, उन्होंने मिलके अंतरिम गवर्नमेंट के तौर पे शपथ है वो ली थी। अब बात ऐसी है, एक तरीके से जो काउंसिल थी ना, वो मतलब नेहरू की लीडरशिप में एक प्रकार से मंत्रिमंडल के रूप में काम कर रही थी। तो मतलब आप समझ गए कि एक तरीके से ये बोल सकते हो कि आप वो मंत्री परिषद ही बनी थी एक टाइप से, जिसका काम क्या था, भारत के संबंधी जो भी डिसीजन वगैरह लेना। और इसी के बाद में आपको बताया कि जो भारत की संविधान सभा है वो बनाई गई थी, तो वो खैर आगे आता है। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट देखो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो इसमें लीड कौन था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मतलब उनकी आप बोल सकते हो कि गाइडेंस में इसका निर्माण किया गया था। और यह एक ऐसी कैबिनेट थी जिसमें इंडियन हिस्ट्री में जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि भाई कैबिनेट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ है वो काम कर रही थी। तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हो चुका था। और हाँ, जो गो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई जो अंतरिम सरकार बनी थी वो कौन से शासन के या कौन से रूल के तहत गवर्न की जा रही थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 था, उसके तहत ये सरकार है वो गवर्न की जा रही थी या इसके रूल्स को फॉलो यहाँ पे किया जा रहा था, तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, अगर हम बात करें अंतरिम सरकार की, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे वो जो कार्यकारी परिषद थे, इसके उपाध्यक्ष थे। इसी के साथ ही वल्लभ भाई पटेल थे, उनको गृह और सूचना प्रसार मंत्रालय दिया गया था। और जो सी राजगोपालाचारी थे, उनको शिक्षा मंत्री के तौर पे पोस्ट दी गई थी। इसी के साथ ही आसफ अली को रेलवे की पोस्ट दी गई थी। और अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग में जो लियाकत अली खान थे, वो उनको वित्त मंत्री का भार है वो संभाला गया था। इसी के साथ ही जो इब्राहिम इस्माइल चुंदीगर थे, उनको वाणिज्य डिपार्टमेंट दिया गया था। तो ये खैर आपको इतने सारे रटने नहीं है, बट आपको मेन मेन का पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, तो वो आपको इस स्पेक्टर में आई होप आपने पढ़ा ही होगा। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे कवर है वो कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल यहाँ पे आया है, वो आया है AWEB के बारे में। क्या है AWEB, वो हम देखते हैं। देखो, बात ऐसी है, AWE का मतलब है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, यानी कि एक जो इलेक्शन बॉडीज है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनका एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, जो कि बनाया गया था साउथ कोरिया में कब, अक्टूबर 2013 में। अभी न्यूज़ क्या आई है वो हम देखते हैं। अभी न्यूज़ ये आई है कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये हम बोले कि 23rd जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, मिस्टर सुनील अरोड़ा, उनको अभी AWEB का चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया है या नियुक्त किया गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि भाई AWEB यानी कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है, क्या काम करती हैं। देखो, बेसिकली ये जो कंट्रीज़ होते हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, वहाँ पे उनको एम्पावर करने का काम करती है। अब देखो, आपको पता है कि किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। अलग अलग एरिया में इलेक्शन करवाना, उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना। तो एक तरीके से जो ये एसोसिएशन है वो एम्पावर करता है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, कि भाई आपको ऐसे ऐसे स्टेप लेने हैं। इसी के साथ इसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ के मेंबर होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किस तरीके से डेमोक्रेसी है वो अच्छे ढंग से चल सकती है, क्या क्या डेमोक्रेसी में जो कमियां हैं इलेक्शन के टाइम पे उनको दूर करना है, किस किस तरीके से जो नए स्टेप उठाने हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा उनका नॉलेज है, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको फैलाने का काम, कि जिन कंट्रियों में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर भी डेमोक्रेसी आ सके, इसके लिए स्प्रेड करने का काम भी इस इंस्टीट्यूट संस्था के द्वारा किया जाता है।
यह ध्यान रखना कि यह एक लार्जेस्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ के तौर पे काम है वो कर रही है। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे देखो मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है। लगता तो काफ़ी ईजी है कि भाई इलेक्शन है जाके वोट दे के आने हैं, बट उतने लोगों के सामने सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये सारे काम करना काफ़ी एक चैलेंजिंग या बोल सकते हो चुनौती भरा काम होता है। और इसमें ये जो एसोसिएशन है ये काफ़ी अच्छा काम है वो करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? साउथ कोरिया में एक जगह है सियोल। आई होप आपको सियोल वैसे भी याद होगा, सियोल पीस प्राइस काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सियोल पीस प्राइस है वो क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है कि इंडिया ने एक्चुअली यूएसए से एक एग्रीमेंट या बोल सकते हो टाइप साइन किया था अपाची हेलीकॉप्टर को लेके। तो अभी अपाची हेलीकॉप्टर जिसका नाम है, वैसे फुल पूरा नाम हुआ है AH-64E अपाची, जो कि यूएसए की एक कंपनी है विमान बनाती है, इसका नाम है बोइंग लिमिटेड। तो बोइंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इंडिया ने वो खरीदे हैं। तो देखो इसमें ज़्यादा तो यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट आपको ये ध्यान हो सके कि अपाची हेलीकॉप्टर है वो एक, मतलब अपाची एक हेलीकॉप्टर है जो कि इंडिया ने यूएसए से खरीदे हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि काफ़ी मल्टी रोल, मतलब एडवांस इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं। किसी भी वेदर में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी इनका यूज हो कर सकते हैं। 360 डिग्री इनका कवरेज होता है, चारों तरफ ये कवरेज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देखो उतनी स्पेशल डिटेल यूपीएससी खैर नहीं पूछेगी, बट इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई कहाँ से खरीदे हैं हमें। इसके साथ ही एक AH-400 डिफेंस सिस्टम भी न्यूज़ में रहता है जो कि इंडिया ने रसिया से ख़रीदा है। राफेल कहाँ से ख़रीदा है? राफेल इंडिया ने फ्रांस से खरीदने की बात की है। तो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यूपीएससी पूछे नहीं पूछने की बात नहीं, कई बार काफ़ी इजी क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेती है, तो वहाँ हमें उस मार्क को छोड़ना नहीं होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है माले डिक्लेरेशन को लेके। क्या है माले डिक्लेरेशन और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्यों है वो भी हम देखेंगे। देखो अभी चौथा साउथ एशियन जो स्पीकर समिट था वो आयोजित किया गया था माले में, मालदीव की कैपिटल में, और वहीं पे माले डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब इस समिट में हुआ क्या था वो देखते हैं। इस समिट में पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ ही जो सीनियर लॉ मेकर हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के, जैसे कि अफगानिस्तान के सीनियर लॉ मेकर्स ने पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश के, भूटान के, इंडिया के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया था। और इसका आउटकम आया इम्पोर्टेंट, वो आया था माले डिक्लेरेशन। और माले डिक्लेरेशन ये है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, इस पर पाकिस्तान बार बार मतलब इसको मामले को छानने की कोशिश ना करे। आई होप आपने भी ये न्यूज़ सुनी भी होगी कि माले मालदीप की कैपिटल माले में भी एक मिनिस्टर मीटिंग, स्पीकर की सबमिट मीटिंग चल रही थी, वो यही है, वहीं पर माले डिक्लेरेशन को अडोप्ट किया गया है। और ये ध्यान रखना है कि जो साउथ एशियन स्पीकर समिट है वो चौथा समिट तो कहाँ पे आयोजित हुआ है, मतलब कि 2019 वाला समिट, ये तो आयोजित हुआ है मालदीप की कैपिटल माले में, जबकि 2018 का जो तीसरा समिट था वो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। देखो मेनली जो ऐसे इंपॉर्टेंट समिट होते हैं ना इंडिया जिनमें मतलब कनेक्टेड हो, उनका आपको प्रेजेंट वाला और लास्ट सेकेंड लास्ट वाला कौन सा है उसका थोड़ा ध्यान रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है। आपको पता है कि इंडिया ने 370 आर्टिकल को हटा दिया था, तो इसी को लेके पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल मंच के ऊपर जाके मतलब इस मैटर को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा था, बट उसको कहीं भी सफलता नहीं मिली है। और यहीं भी अभी जो साउथ एशिया स्पीकर समिट हुआ था यहाँ पे भी पाकिस्तान को मात है वो खानी पड़ी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माले डिक्लेरेशन है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंटरपोल को लेके। क्या है इंटरपोल? देखो इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस का, जो कि जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है वो शामिल होती हैं। एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे आप हो सकते हो कि पुलिस का काम करती है, कोई भी क्राइम हो जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री वगैरह में, अगर मुजरिम भाग जाता है अपराधी तो उसको पकड़ने के लिए उसके रेगुलेशन वगैरह का काम है वो इंटरपोल करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के लियोन सिटी में है। इंटरपोल को 1923 में बनाया गया था। स्टार्टिंग में इसका नाम था वो था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, बट बाद में इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया इंटरपोल के नाम से, तो बाद में इंटरपोल के नाम से मेनली ज़्यादा जानी जाती है। काम क्या है इसका? जिस तरीके से देखो पुलिस का काम क्या होता है,
एक तरीके से टेररिज्म को काउंटर करना, बॉर्डर जो इंटरग्रिटी है उसको प्रमोट करना, इसी के साथ ही जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या बोल सकते हो कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं समाज में उनको प्रोटेक्शन देना, इसी के साथ ही इन्वायरमेंट सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करना और ग्लोबल जो इंटीग्रिटी है इसको प्रमोट करना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। देखो आपको यहाँ पे वर्ड काफ़ी सिंपल से लग रहे होंगे, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर इंटीग्रिटी, प्रोटेक्शन और इसी के साथ ही इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, ग्लोबल इंटीग्रिटी। ये जो वर्ड्स हैं ना ये एग्जाम में आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप इन इस पूरा मतलब सेंटेंस भी नहीं लिख रहे हो, पूरा आप ज़्यादा भी नहीं लिख रहे हो, तो अगर आप ये वर्ड लिख देते हो तो भी आपका काम है वो चल जाता है। इससे क्या होता है आपकी वर्ड लिमिट है उसका भी आपको मैनेज कर सकते हो और आप जो बातें कहना चाहते हो वो सारी बातें कवर भी हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे कीवर्ड हैं इनको नोट डाउन करके रखिए कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज है वो होता है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में जितना टाइम नहीं होता है मेंस में कि भाई आप इतना सोच सोच के एक चीज़ें लिख पाओ, अगर आप हर चीज़ सेंटेंस में लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे और वर्ड लिमिट क्रॉस हो सकती है। इसीलिए ऐसे जो वर्ड हैं जैसे कि ग्लोबल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, ये सारे वर्ड्स कुछ टाइम पे कीवर्ड की तरह एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जादू का काम है वो करते हैं। अब बात ऐसी है कि जो इंटरपोल है ना इसके अंदर एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी भी होती है जिसका नाम है इंटरपोल जनरल असेंबली, यानी कि इंटरपोल जनरल असेंबली है वो इंटरपोल का ही एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, इसको गवर्न करने का काम है वो करती है। कंटेक्स्ट देखो ये आया है कि भारत ने ये कहा है इंटरपोल से कि देखो भाई 2022 में हमारी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ होगी, तो उस मौके पे जो आप हर साल अपना सबमिट करते हो ना जनरल असेंबली का, इंटरपोल का सबमिट होता है हर साल किसी न किसी कंट्री में, तो वो सबमिट आप इंडिया में आयोजित कीजिए। इसलिए इंडिया ने एक तरीके से मतलब प्रपोजल है वो दिया है इंटरपोल को, तो यह भी न्यूज़ है वो आई है। तो कंटेक्स्ट की बजाय बाकी जो और चीज़ें इंटरपोल है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो उनको हमने कवर यहाँ पे किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है प्रोजेक्ट रीप्लान। प्रोजेक्ट रीप्लान का मतलब है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। देखो यह जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। क्या इसका मोटो है? इसका मोटो यह है कि प्लास्टिक जो वेस्ट है इसको कम करना है नेचर में। अब देखो इसमें क्या प्रमोट किया जा रहा है, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है क्या कर रहा है, ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट यानी कि जो प्लास्टिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है वो प्लास्टिक, और इसी के साथ ही जो कॉटन फाइबर हैं इनको मिला के बैग तैयार किए जाएंगे। मतलब कि 20% जो उस बैग बनेंगे, सॉरी जो बैग बनेंगे इसमें 20% जो हिस्सा होगा वो तो होगा प्लास्टिक का और 80% जो हिस्सा होगा 80% वो बनेगा कॉटन फाइबर का। होगा क्या, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा और इससे प्लास्टिक की वजह से उसमें स्ट्रेंथ मजबूती भी आ जाएगी और कॉटन की वजह से क्या है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो रह जाएगा, और ऑब्वियसली जो प्लास्टिक है वो ट्रीटेड होगा मतलब उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये नए प्लास्टिक बैग बनाने की आप बोल सकते हो कि नए बैग बनाने का एक इनिशिएटिव है। इसी के साथ ही खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उन्होंने वाराणसी में टेरिकोटा ग्राइंडर है वो लॉन्च किए हैं। टेरिकोटा ग्राइंडर क्या है? टेरिकोटा आपको पता ही है कि जो मिट्टी की बनी हुई जो आकृतियाँ होती हैं उनको कहते हैं। तो कई बार देखो जो आकृतियाँ वगैरह टूट जाती हैं तो वो आकृतियाँ टूट जाती हैं तो उनको फिर मिक्स करके ग्राइंड करके वापस से दूसरी साइज़ में ढाला जा सकता है, इसके लिए ग्राइंडर है वो लॉन्च किया गया है वाराणसी में, यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो ये आपसे UPSC पूछ सकती है। लास्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है स्कीम ऑफ इमेरिटस फेलोशिप को लेके। तो क्या है इमेरिटस फेलोशिप ये हम देखते हैं। देखो जो इमेरिटस है ना ये वर्ल्ड का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, हर कंट्रीज़ में वैसे दिया जाता है। ये बेसिकली जो प्रोफेसर्स होते हैं जो काफ़ी सीनियर जिनका काफ़ी अद्वितीय योगदान होता है उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। और इंडिया में जो इमेरिटस फेलोशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है UGC, ये आपको ध्यान रखना कि UGC के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और जिस भी प्रोफेसर का जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है मतलब बहुत ही उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है, कुछ हटके उन्होंने काम किया है उनको बेसिकली इस फेलोशिप या इस टाइटल से नवाजा है वो जाएगा। तो अभी उन्होंने आवेदन के लिए स्टार्ट है लिस्ट है वो दी है तो उसी को लेके न्यूज़ आई है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये है क्या फेलोशिप प्रोग्राम। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और हाँ आपसे कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप
आगे जो हमारा पेज है वेलकम यूपीएससी का, वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही यूट्यूब के अंदर जो पोस्ट अपलोड की जाती है डेली मॉर्निंग में, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस है डेली, मतलब 5, 6, 8, 10 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चन को जाके डेली जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज वहाँ पर नहीं है।